जय श्री राधे। मैं आचार्य श्रीकांत पांडे आज बात करते हैं शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करना है, व्रत के बारे में जानकारी। तो सर्वप्रथम कलश लाना है। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कलश स्थापना कैसे करें, क्या सामग्री होनी चाहिए। तो उसमें सर्वप्रथम कलश लेना है, कलश को धुलना है और कलश को धुल के उसके ऊपर कंठ में कलावा बांधना है। कलावा के बाद उसमें स्वस्तिक बनाना है और स्वस्तिक के बाद उसमें जल भरना है। जल भरने के बाद उसमें सर्व औषधि डालना है, उसमें दूब घास और सुपारी और हल्दी, थोड़े चावल, एक सिक्का और उसमें पंच पल्लव और पुष्प, ये चीजें उसके अंदर डालनी है। अब नीचे या तो जमीन में मिट्टी डाल के जौ बोएं या किसी तसले में या मिट्टी का सकोरा लेके उसमें मिट्टी लाएं और मिट्टी में जौ को बोएं और जौ के ऊपर ही उस कचोरे में घट स्थापना करें। घट स्थापना के बाद फिर उसमें नारियल और नारियल में कलावा भी और उसके ऊपर चुन्नी लपेट के और कलश के ऊपर रखना है। कलश का मुख अपने तरफ होना चाहिए और इसके बाद ये हो गया कलश स्थापना के लिए। अब अगर अखंड ज्योत आपको 9 दिन तक जलानी है तो एक बड़ी पीतल की अखंड ज्योत लें, उसमें एक लंबी बत्ती डालें जो आपके यहाँ 7 दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी जैसे भी होती हो कि 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक वो चल जाए। उसमें लेके और उसकी भी पूजा और प्रतिष्ठा करके स्थापित कर देना है। तो अखंड ज्योत अगर जलाना है तो ये रही अखंड ज्योत के लिए। अगर मान लिया अखंड ज्योत नहीं जलाना है तो आप एक छोटा दीपक लें और जब तक आप पूजा करते हैं तब तक जलते रहे। इसके बाद पूजा के बाद, आरती के बाद वो समाप्त हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अखंड ज्योत अगर जलाते हैं तो उसको विशेष रूप से देख रेख करना चाहिए कि खंडित ना हो। उसके लिए एक व्यक्ति को उसके लिए विशेष देख रेख के लिए रखना चाहिए। दूसरी बात है कि नवरात्रि में कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग जप करते हैं नवारण मंत्र का और कुछ लोग हैं दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। सभी का अपना अलग अलग रहता है, जितना जिसके पास समय है उस हिसाब से लोग करते हैं। कोई दुर्गा सप्तशती का पूरा प्रतिदिन पाठ करता है, कोई कवचरगला कीलक और प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र का पाठ कर लेता है और कवचरगला कीलक के बाद सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ करते हैं। तो सभी का अलग अलग है, लेकिन जो भी व्रत रहता है या जो भी दुर्गा सप्तशती का घर में पाठ करता है और घट स्थापना कर रखे हैं तो उन्हें लास्ट में दुर्गा सप्तशती का हवन करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के हवन से सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि और जो भी जीवन में बाधाएं आ रही हैं वो सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, चाहे वैवाहिक जीवन को लेके हो, चाहे नौकरी को लेके हो, चाहे व्यापार को लेके हो, चाहे बच्चों को लेके हो, जो भी हमारे जीवन में बाधाएं हैं वो सभी प्रकार की माँ भगवती की कृपा से और दुर्गा सप्तशती के हवन से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो सबका अपना अपना है, और जैसे किसी के यहाँ सप्तमी होती है तो उनके यहाँ षष्ठी को हवन होगा शाम के समय, जिनके यहाँ सप्तमी अष्टमी को होता है उनके यहाँ सप्तमी को हवन होगा, और जिनके यहाँ अष्टमी को होता है उनके यहाँ सप्तमी को होगा, जिनके यहाँ नवमी होती है उनके यहाँ अष्टमी को हवन होगा। कुछ लोग सुबह भी करा लेते हैं, इसके बाद ही कन्या जीवाना चाहिए हवन के बाद। तो ये एक संपूर्ण जो फल है व्रत का तब मिलता है जब हम व्रत करने के बाद कन्या और हवन दोनों जब करते हैं तब हमें किसी भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये आप कर सकते हो, उसमें जितना जिसके पास समय है उस हिसाब से पाठ आप कर सकते हैं। अगर ज्यादा समय नहीं है तो कवच अर्गला कीलक, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत और दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ कर सकते हैं।
नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर से प्रतिपदा और 24 अक्टूबर को दशहरा, यानी 15 से 24 तारीख तक शारदीय नवरात्रि है। तो आप सभी व्रत पूजन, कन्या जी माना और हवन जो भी जिससे हो सके वो करना चाहिए। जय माता दी।